ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। बेरा मशीन से मिलेगा फायदा। टोंक में आमतौर पर मेडिकल कॉलेज में मिलने वाली सुविधा अब जिला सदर अस्पताल में मिलेगी। जी हां, आज तक में बेरा मशीन का उद्घाटन कर राजस्थान को सुपुर्द किया गया है। इस मशीन का फायदा यह होगा कि अब नवजात बच्चों की सुनने की क्षमता समय पर पता चल पाएगी और गरीब तबके के लोगों को उसका समय पर और निःशुल्क उपचार मिल जाएगा। फर्जी तौर पर बहरे होने का सर्टिफिकेट बनने होने वाले लोगों की समय पर जांच होगी और गलत सर्टिफिकेट नहीं बनाई जा सकेगी। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की अभिशंसा पर चिकित्सा विभाग ने करीब 5 लाख की लागत की यह मशीन सादत अस्पताल को उपलब्ध कराई है। ENT विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर प्रसाद चौधरी और आर्डियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट प्रसेनजीत मित्रा ने बताया कि टोंक जिले में प्रथम बेरा मशीन है जो कि सुनाई से संबंधित जांच करती है। इस मशीन से जन्म से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति की सुनाई से संबंधित जांच की जाती है। इस जांच के लिए टोंक जिले के मरीजों को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर जाना पड़ता था। सादत अस्पताल में बेरा मशीन के आने से आमजन को सुनाई से संबंधित जाँच सुविधा का लाभ मिलेगा। टोंक जिले के राजकीय सादत चिकित्सालय में NPPCD कार्यक्रम के तहत बेरा मशीन का उद्घाटन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DV मीणा द्वारा किया गया, जिसमें सादत चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर संदीप राजोतिया, डॉक्टर यशवंत नामा, डॉक्टर प्रतीक सालोदिया, डॉक्टर महावीर प्रसाद चौधरी, प्रसेनजीत मित्रा तथा अशोक लक्षकार कार्यक्रम में उपस्थित रहे। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष चौदा की रिपोर्ट। ये काफ़ी दिनों से समस्या थी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो कान के बहरेपन की जांच का पता करने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती थी, जो हमारे पास अभी तक नहीं था, उसके लिए जयपुर जाना पड़ता था। इसके अलावा जो मेलेंजरिन जो होते वास्तव में बहरे नहीं है लेकिन बहरापन का नाटक करते हैं, ऐसे आदमियों को हम यहाँ जाँच नहीं कर पाते, उनको वो सर्टिफिकेट के लिए आ जाते और उसकी बड़ी समस्या होती थी। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अनुशंसा पर हमें एक लगभग 5 लाख रुपए की बेरा मशीन प्राप्त हुई है, इसका आज उद्घाटन किया है। इससे बहुत ही उपयोगी मशीन है। इसके दो बड़े फायदे होंगे, एक तो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको अपन क्या है वो बोल नहीं सकते, अपन उनको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ऑडोमेट्री मशीन में वो नहीं कर पाते। इस मशीन से वो सब्जेक्टिव ये पता लग जाएगा वास्तव में वो जनमजात बहरा है या नहीं है। टोंक में अपने सादत अस्पताल में सरकार की तरफ से एक नई मशीन लगाई गई है जिसका नाम है बेरा, और स्पेशली जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका, जिनके पहले अपन सुनाई की जांच नहीं कर पाते थे कि भाई ये सुन पाते हैं नहीं पाते हैं, अब हम उन बच्चों को इवन दो पैदा होते ही अपन उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि ये बच्चा